नमस्कार, स्वागत है आपका आर्यभट्ट न्यूज में। खबर नालंदा से है। नालंदा में अपनी मांगों को लेकर बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ द्वारा स्थानीय अस्पताल चौड़ाहे पर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन किया गया। गौरतलब है कि अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर कार्यपालक सहायक पिछले कई माह से लगातार प्रशासन मंत्री और वरीय पदाधिकारियों के समक्ष गुहार लगा रहे थे। वहीं आमरण अनशन को संबोधित करते हुए अनशनकारी कार्यपालक सहायक ने कहा कि प्रशासन की दोरंगी नीति के कारण नालंदा जिले में अब तक 323 पदों पर कार्यपालक सहायकों की नियुक्ति नहीं की गई है, जबकि सारा पैनल और बाकी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इसी दोहरी नीति के खिलाफ नालंदा जिले के सभी 323 कार्यपालक सहायकों ने अस्पताल चौराहा पर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन करना शुरू कर दिया है। अनशनकारियों ने कहा है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक यह अनशन जारी रहेगा। भारत सरकार की दोहरी नीति है सर, सारे स्टूडेंट को ये जो कार्यपालक सहायक का प्रक्रिया जो था 2008 को आरम्भ हुई, जबकि इस प्रक्रिया का समापन डेट है जनवरी 2019 में। ये बिहार राज्य के हर जिला में कार्यपालक सहायक को अब तक नियुक्ति पत्र दे दिया गया है, लेकिन ये दोहरी नीति सिर्फ बिहार सरकार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश बाबू विकास पुरुष के जिला में ही अब तक अपने बच्चे बच्चियां को देखिए, छोटे छोटे बच्चे बच्चियां हैं, ये लोग का आज तक नियुक्ति प्रक्रिया नहीं दिया गया है। और ये दोहरी नीति के खिलाफ हमारे जो छोटे छोटे दोस्त हैं, बच्ची हैं, बच्चियाँ हैं, अनिश्चितकालीन अमरसन पे चली गई है। और अनियोजित कार्यपालक सहायक का कार्यपालक सहायक की परीक्षा हुई थी जनवरी में, सारा प्रक्रिया इसकी पूरी कर ली गई थी, मेरिट लिस्ट फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार कर गया, पैनल बन गया है, लेकिन अब तक का कोई ज्वाइनिंग का नियोजन का कोई रास्ता नहीं दिखा है, अब तक नियोजन नहीं हुआ है। इसलिए हम 323 कार्यपालक सहायक अपनी मांग की पूरी के लिए कि हमारी मांगें पूरी हो, ज्वाइनिंग हो, इसलिए हम लोग धरना पर बैठे हैं। आमरण का नहीं कर रहे हैं? हाँ हाँ, क्या कर रहे हैं? हम लोग इसमें 5 कैंडिडेट हैं जिसमें एक लड़की भी है, इसमें आमरण अनशन के लिए बैठे हैं। कितने छात्र स्टूडेंट हैं टोटल? आप लोग टोटल 323 स्टूडेंट हैं।